हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ ऑटो कैड की, जो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या है वो बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि नॉर्मली अगर आपके पास कोई सर्कल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप इसे कॉपी करते हैं, तो आप कैसे करते हैं, सी ओ एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसको पिक करते हैं किसी पॉइंट से और आप कॉपी करते हैं और मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। बट अगर आपको इक्वल डिस्टेंस पे कॉपी करना है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, तो उसके लिए हम एरे यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर मेरे को कॉपी के अंदर ही एरे कमांड यूज करनी है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, ये आज की ट्रिक है कि एरे कमांड इन कॉपी। तो आप सी ओ एंटर करो फॉर कॉपी, सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, एंटर करो, और एंटर करने के बाद जैसे आप पिक करोगे तो नीचे आप देखोगे एक एरे कमांड आपकी स्टार्ट हो जाती है। आप इसे क्लिक कर सकते हो, ए प्रेस कर सकते हो या एरे पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप एरे पे क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछता है एंटर नंबर ऑफ आइटम्स। मान लो मैंने डाल दिया 10, एंटर। तो अब आप देखोगे जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे आप प्लेस करोगे, उतनी दूरी पे आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी प्लेस कर सकते हो। आप इसे हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, किसी एंगल पे कर सकते हो या वर्टिकली कर सकते हो, क्लियर। मान लो मेरे को 20-20 के डिस्टेंस पे चाहिए या 50 के डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैंने डिस्टेंस डाल दिया 50 एंड एंटर। तो अब आप अगर देखोगे इसे डिस्टेंस DLI एंटर से आप डायमेंशंस को चेक करोगे, तो ये 50 का डिस्टेंस आ गया दो के बीच में, और इन सब के बीच में आपका 50-50 का डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। ऐसे कर सकते हो। दूसरा है कि मान लो मेरे पास ये सर्कल है और मेरे को इस पॉइंट तक जितना 8 सर्कल चाहिए, बट एक इक्वल डिस्टेंस पे, उसको आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए CO एंटर करो फॉर कॉपी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर। एंटर करने के बाद पिक करो पॉइंट को, एरे पे क्लिक करो, ए एंटर करो और आइटम डाल दो, मान लो 8, एंटर। अब अगर ये आप प्लेस करते हो तो इससे आप सेकंड नंबर पे आपका कर्सर है, वहां से आप इसको यूज कर सकते हो। बट नीचे एक ऑप्शन आता है फिट का, आप अगर एफ एंटर करते हो या फिट पे क्लिक करते हो, तो आपका कर्सर लास्ट सर्कल पे चला जाएगा और डायरेक्टली आप इस पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे सारे आपके सर्कल यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत यूजफुल है। और कहाँ यूज कर सकते हो, मान लो आप स्टेयर बना रहे हो, मेरे पास एक स्टेयर है और यहां तक मेरे को इक्वल नंबर ऑफ स्टेयर चाहिए, मान लो नंबर ऑफ स्टेयर 10 चाहिए, तो आप कॉपी कर सकते हो। सीओ एंटर कॉपी, सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट, एंटर, और उसके बाद आप पिक करें पॉइंट को, एरे करें, ए एंटर, नंबर ऑफ आइटम डाले 10 और आप इसे कर दे फिट। तो फिट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्लिक कर दो तो इक्वल डिस्टेंस पे इसने कॉपी कर दी, जो आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है स्टेयर बनाने में या इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीजों को कन्वर्ट करने में। और आप इसका कहाँ पे यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को काफी सारी टेबल्स बनानी है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैं इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सीओ एंटर फॉर कॉपी, या तो मैं ये करूँ कि यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे मल्टीपल कॉपी ऐसे करता चला जाऊं। बट अगर मेरे को मल्टीपल कॉपी वन टाइम में करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सीओ एंटर फॉर कॉपी, मैंने पिक पॉइंट लिया, अब कर दिया मैंने एरे, एरे डाल दिया, नंबर ऑफ आइटम 5, एंटर। और अब आप देखोगे यहां से जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके नंबर ऑफ आइटम्स इतने आ जाएंगे। आप यहाँ पे भी इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मेरे को इस तरीके से टेबल चाहिए, या फिर इस पे क्लिक करोगे तो वन टाइम में आपकी इतनी सारी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने एरे को यूज कर सकते हो इन कॉपी कमांड। एरे कमांड अलग है, उसका मैं लिंक ऊपर आई आइकन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो, वरना आप कॉपी कमांड के अंदर एरे कमांड को कैसे यूज कर सकते हो। और ये सिर्फ रेक्टेंगुलर एरे में काम आता है कि आप हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या फिर किसी भी एंगल पे आप अपने एरे को यूज कर सकते हो। पाथ एरे और जो पोलर एरे है वो इसमें यूज नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को कॉपी कर सकते हो और विद एरे कमांड, क्लियर। तो आशा करो तो वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।